ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबर देहात कोतवाली इलाके से, जहां आधी रात को बोलेरो रोक कर किया गया हमला, 3 लोग जख्मी। पुलिस ने दर्ज किया FIR, शुरू किया मामले की जांच। बता दें देहात कोतवाली के कटरा में निगन से मानधाता आने वाली सड़क पर भदोई गांव के पास 3 युवकों ने शनिवार आधी रात मजदूरों की बोलेरो रोक कर उन्हें मारा पीटा। बोलेरो भी तोड़ दी गई। भदोई गाँव से आ रहे नर्सिंग होम कर्मी को भी मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया। सूचना पर पहुंचे उसके मामा के बेटे को भी मारपीट कर चोटें पहुंचाई गई। गंभीर रूप से घायल तीनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार बाराबंकी के रहने वाला 27 वर्षीय मजदूर मनीष देहात कोतवाली के भदोही गांव के पास से गुजर रहे बाईपास में काम करता है। वह शनिवार रात करीब 11:30 बजे मजदूरों के साथ बोलेरो से बाईपास पर अपनी झुग्गी पर जा रहा था। भदोही गाँव में स्थित कॉलेज के पास सड़क पर खड़े 3 लोग बोलेरो रोक कर उसमें सवार लोगों को राड से मारने पीटने लगे। बोलेरो में सवार लोग जान बचाने के लिए अंधेरे में इधर उधर भाग निकले। गंभीर चोटें आने से मनीष घायल हो गया। हमलावरों ने बोलेरो भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान मनीष के मामा के बेटे कृष्णचंद को भी लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। तीनों को प्रतापगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ अब पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही। 21/9/2024 को थाना पपल्ली देहात के गाँव भदोही से सूचना प्राप्त हुई कि रात को लगभग 10 से 11 बजे के करीब वहीं पे बन रहे बाईपास का इंस्पेक्शन कर वापस आ रहे कार सवार युवकों के ऊपर गांव के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा चोर समझकर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। वो लोग शराब के भी नशे में थे। सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्र में भ्रमणशील चीता मोबाइल तत्काल मौके पर पहुंची, उन लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास की, लेकिन उन लोगों के द्वारा अभद्र तथा बदसलूकी पुलिस बल के साथ किया गया। थाने से अतिरिक्त फोर्स पहुँचने के पहले आरोपीगढ़ मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर मजरूबों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर उनका समुचित इलाज हुआ। उनकी स्थिति सामान्य है। आवेदक की तारीफ पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध कुल मिलाकर 10 नामजद तथा 7 से 10 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं जैसे हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाने स्तर से टीम गठित की गई थी। अब तक में कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। योजना के क्रम में उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जनपद वासियों से अपील की जाती है कि इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर स्वयं रिएक्ट न करें तथा पुलिस को अविलंब सूचना दें। पुलिस के द्वारा विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां सगरा फीडर चालू होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रूपापुर पावर हाउस पहुंचकर कर्मचारियों को खिलाई मिठाई, किया हौसला अफजाई। कुछ दिन पूर्व सौंपा गया था ज्ञापन। बता दें कि सगरा फीडर चालू होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रूपापुर पावर हाउस पहुंचकर कर्मचारियों को मिठाई खिलाई और उनका हौसला अफजाई किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रेश त्रिपाठी ने बताया कि 2 अक्टूबर को पार्टी के पदाधिकारियों ने एचआईसी अभियंता को ज्ञापन सौंप कर सगरा फीडर चालू किए जाने की मांग की थी। फीडर चालू होने से अब पूरे बेदुआ समेत दर्जन भर वार्डों को सहूलियत मिलेगी। रविवार को लाइन मैन के अलावा अन्य कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया और उनको बधाई दी। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जननायक राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीरज तिवारी जिंदाबाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की खबर की, जहां प्रधान के हत्या आरोपियों के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई। जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने बताया कि महेशगंज थाना क्षेत्र के प्रधान करुणेश उर्फ मम्मन भारती की 7 जून को दिन दहाड़े कुंडा इलाके के जमेठी गांव के सामने नहर पटरी पर कार में चाकुओं से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर महिला समेत गाँव के 3 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने उसी मामले में मुख्य आरोपी इम्तियाज उर्फ कल्लू के अलावा कुलदीप केसरवानी और सरिता सरोज के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किया है। उन्होंने बताया कि यह सभी 3 लोग संगठित गैंग का संचालन करते थे, जिसके गैंग लीडर इम्तियाज हैं और इनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, जिसके बाद अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।